वेलकम बैक। मैं नवीन अग्रवाल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं प्रोग्रामिंग को लेकर। तो बात कर रहा हूँ मैं आज कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे कि उससे पहले हम सीख चुके हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है और स्टैटिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। उससे रिलेटेड हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं, आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से करी जाती है। ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए बड़ी खास कर है जो बच्चों की पाइथन थोड़ी सी वीक रही है, क्योंकि ये फिर से एक बार रिकॉल हो रहा है। तो अब बात करूं मैं कंडीशनल स्टेटमेंट की, हाउ वी यूज कंडीशनल स्टेटमेंट इन दी पाइथन। तो बात करें कंडीशनल स्टेटमेंट की कि इन पाइथन देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। द फर्स्ट इज, बात कर रहा हूं कंडीशनल स्टेटमेंट की, अब इसमें फोर तरीके के पार्ट्स हो गए कंडीशनल स्टेटमेंट। द फर्स्ट पार्ट इज इफ ओनली, या वी कैन से द ओनली इफ। द सेकंड इज द इफ एल्स, एंड द थर्ड इज एल इफ, एंड द नेक्स्ट इज द नेस्टेड इफ एल्स। अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये वाला नेस्टेड इफ एल्स और ये इफ ओनली, ये थोड़ा कम यूज होते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो else if यूज होता है। सेकंड नंबर अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला if only है। इसका कम यूज होता है और इसका बहुत रेयर केसेस में यूज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला जो कंसेप्ट है इसको, यानी नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट, कहीं ना कहीं else if से हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम केवल बात करेंगे if only की और if else की। इन दोनों को जब हम बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब बात कर रहा हूं मैं इफ ओनली और इफ एल्स की। तो बात करते हैं कि इफ एल्स और इफ ओनली किस तरीके से यूज करते हैं। अब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इफ ओनली, जो इफ ओनली है उसको स्टेटमेंट कैसे है और उसको किस तरीके से लिखते हैं पहले वो देखिए। इफ ओनली के लिए सिंपल कुछ नहीं है, इफ लिखना है आपको। इफ लिखने के बाद यहाँ जो कुछ भी आएगी कंडीशन आएगी, और कंडीशन आने के बाद ब्रैकेट क्लोज और कोलन आएगा, और कोलन के बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगी दैट इज द स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट रिलेटेड टू इफ। अब क्या कहता है ये कि अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट। आई एम नॉट सेइंग यू कैन यूज ओनली द सिंगल स्टेटमेंट, यू कैन यूज हियर द मल्टीपल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है। हाँ, अब आप जो नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई थर्ड स्टेटमेंट आता है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ, जो इसका पार्ट नहीं है और दिया है स्टेटमेंट थ्री, अगर आप उसे इंडेंटेशन के साथ देंगे। इंडेंटेशन क्या होता है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें क्लियर होगा कि इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन आपको ये बताता है कि जो स्टेटमेंट वन है और यहाँ इंडेंटेशन आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट ये बताता है ये इस इफ वाले का पार्ट है। अगर ये इंडेंटेशन नहीं है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है इसका पार्ट नहीं है। यानी अब आप स्टेटमेंट थ्री चाहते हैं लेकिन वो इफ, यानी ओनली इफ का पार्ट नहीं होना चाहिए, उस केस में क्या करेंगे, आप इंडेंटेशन को खत्म करेंगे। कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा, बैक स्पेस दबाएंगे, इंडेंटेशन खत्म, कर्सर अब आपका यहाँ ब्लिंक करेगा, यानी अब आप स्टेटमेंट लिखेंगे थ्री। अब मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, अगर कंडीशन ट्रू है देन स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू विल एग्जीक्यूट, और स्टेटमेंट थ्री होगा ही होगा एनी हाउ। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है उस केस में स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट नहीं होंगे, स्टेटमेंट थ्री होगा ही होगा। इसका एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर। लेट इमेजिन करो न्यू ईयर है, न्यू ईयर है और न्यू ईयर की पार्टी भी है। अब मान चलिए न्यू ईयर की पार्टी को हम सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक सर्वे करा हम लोगों ने, हमने ये पूछा जो हमारे एम्प्लॉई है, जो हमारे कलीग है, जो हमारे फ्रेंड्स है कि वो न्यू ईयर की पार्टी को एंजॉय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब देखिए, अब मेरे जितने भी फ्रेंड सर्किल है या जितना भी मेरे कलीग्स हैं, मैं चाहता हूँ कि न्यू ईयर की विश तो सभी को जाए और पार्टी का इन्विटेशन केवल उसको जाए जो इंटरेस्टेड है। बात को समझिए, पार्टी का जो इन्विटेशन है वो केवल उन कैंडिडेट्स को जाए जो इंटरेस्टेड है, और न्यू ईयर की विश सबको जाए। अब देखिए ये प्रोग्राम की पॉलिसी हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोई एक वेरिएबल ले दूंगा। अब मैं यहाँ पर एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर रहा हूँ। डायनेमिक कैसे यूज करेंगे, कोई वेरिएबल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम यस और नो या फिर वाई और यस और नो या वाई और एन डालेंगे, तो यानी स्ट्रिंग टाइप का है तो मुझे डेटा टाइप लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या लिखूंगा, इनपुट ब्रैकेट उससे रिलेवेंट कोई मैसेज यूजर के लिए, लाइक एंटर द चॉइस,
यूजर डालेगा यस और नो, जो भी डालेगा, बस ये क्लोज हो गया। अब मुझे इफ को कंपेयर करना है, इफ अगर यस है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट आएंगे, इफ अगर नो है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट चाहिए। यानी मैंने यहाँ लिखा सिंपल इफ एक्स इक्वल्स टू यस, यानी मैं यस के लिए ट्राई कर रहा हूँ एक बार कि यूजर ने ऐसा तो नहीं कि पार्टी के लिए इंटरेस्टेड है, यस लिखा है, कॉलन लिखाएंगे एज पर दी सिंटैक्स ऑफ इफ ओनली, ये लिख दिया। लिखने के बाद इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, और डबल कोटेशन यूज कर सकते हैं आप सिंगल भी, पर ये ध्यान रखिएगा डबल यूज करें तो डबल ही क्लोज होगा, सिंगल करें तो सिंगल ही होगा। और मैंने यहाँ लिख दिया पार्टी, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये वाली लाइन तो उस केस में एग्जीक्यूट होगी जब यूजर कहता है कि हाँ मैं पार्टी में इंटरेस्टेड हूँ, तो यस से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो इसके अलावा कोई और वैल्यू देता है तो उस केस में ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट मैं चाहता हूँ कि एक जनरल मैसेज सबको जाए न्यू ईयर की विश का, तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट और यहाँ लिख दिया हैप्पी न्यू ईयर। यानी ये एग्जीक्यूट तब होगा जब ये ट्रू है, और जब ये ट्रू नहीं है फॉल्स है तो उस केस में ये एग्जीक्यूट होगा। और यानी ये वाले स्टेटमेंट तो हर हाल में एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये तो कहानी थी एक फॉर्म इससे रिलेटेड, एक प्रैक्टिकल है जो मैं अपनी वीडियो में ऐड करने वाला हूँ। अभी हम बात करते हैं इफ एल्स की, इफ एल्स किस तरीके से यूज करते हैं, और इफ एल्स से रिलेटेड भी मैं एक प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए ऐड करने वाला हूँ। तो ये तो हो गई ओनली इफ की कहानी, अब बात करते हैं इफ एल्स की। जो मोस्ट पॉपुलर इफ एल्स में जो प्रोग्राम होता है वो होता है इवन ऑड फाइंड करने का, या लीप ईयर फाइंड करने का, या टू नंबर्स के बीच में ग्रेटर फाइंड करने का, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड, मैं ले रहा हूँ इफ एल्स से। इफ एल्स में लेट मुझे फाइंड करना है कि जो दो नंबर दे रखे हैं वो इवन है या ऑड है। लेकिन अब देखो मैथ का कंसेप्ट पढ़ाना पड़ रहा है, कितनी अच्छी बात है, कंप्यूटर साइंस, तभी तो कहते हैं कंप्यूटर साइंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ एंड साइंस, दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो देखो हम कैसे पता करते हैं कि ये नंबर इवन है या ऑड है। कुछ लोगों का कहना है कि जीरो हो, लास्ट में टू हो, फोर हो, सिक्स हो और एट हो, ये नंबर अगर लाइक कर रहे हैं तो ये नंबर इवन है, अदरवाइज ऑड है, ये कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टू का मल्टीपल है, कुछ लोग कहते हैं टू का डिविजनल है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है, जो आपको ठीक लगे वो। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जो नंबर टू से डिवाइड हो सकता है वो नंबर इवन नंबर है, अदरवाइज ऑड नंबर है। तो वही कर रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं यूजर से एक नंबर ले लेते हैं। अब ये वाला प्रोग्राम है स्टैटिक बना रहेगा, तो उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर ले लिया लेट एक्स, जिसकी वैल्यू मैंने कुछ भी ले ली, लेट मैंने ली 15, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपल इफ एक्स मॉडुलस 2। अब ये पूछोगे सर मॉडुलस का काम क्या करता है, अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, उसमें मैंने आपको मॉडुलस क्लियर किया था कि मॉडुलस का काम क्या करता है। एक बार फिर बता दूं जो नए जोड़े हैं मुझसे कि ये मॉडुलस का साइन नहीं, ये मॉडुलस का ही साइन है, परसेंटेज का साइन नहीं है, इट विल होल्ड द रिमाइंडर। एग्जांपल की बात करूं कहीं पर मैं लिखता हूं 7 मॉडुलस 2, देन आंसर विल बी 1, इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो बस मुझे ये करना है कि जब मैं x को 2 से डिवाइड करूं, अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर आएगा 0, और 0 के इक्विवेलेंट है इसका मतलब ये इवन नंबर है। बस सिंपल आपको लिखना है प्रिंट, और यहां मैंने लिख दिया इवन, ठीक है, ये हो गया काम खत्म। अब देखो अगर ये नंबर इवन नहीं है तो क्या होगा, और इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा कुछ होगा, ठीक है। तो अब यानी इफ है, उसके बाद मुझे अब एल्स यूज करना है। तो मैं अब जब यहां कर्सर क्लिक कर रहा है, बैक स्पेस दबाऊंगा, कर्सर यहां आ जाएगा, एल्स लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और यहां पर लिख देंगे प्रिंट। यहां पर अब कंडीशन देने की नीड नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि अगर ये इवन नहीं है तो और तो होगा ही होगा, बस प्रिंट, और यहां मैंने लिख दिया और, बस ये हो गया आपका काम कंडीशनल स्टेटमेंट का। आज जो तुमने समझाया ओनली इफ और इफ एल्स था, इफ ओनली इफ से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है, जो एक मैंने जैसे अभी तो मैंने व्हाइट बोर्ड यूज किया है, उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है वो मैंने अपनी इसी में 2 मिनट बाद वीडियो में मैंने ऐड किया है, और इससे इफ एल्स से रिलेटेड भी मैंने प्रैक्टिकल ऐड किया है। चलो अब बात बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। चलिए जैसे मैंने कहा था कि एक मोबाइल यूज़र्स के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं पाइथन का, किस तरीके से हम इफ़ स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। तो इफ़ स्टेटमेंट के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक छोटा सा एक प्रोग्राम ले रहा हूँ कि लेट किसी की ऐसे मान लीजिए किसी की जैसे सैलरी है, अभी दीपावली का टाइम है, दिवाली का टाइम है, और किसी की सैलरी है, किसी की सैलरी अगर 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है
तो उसको हम कोई बोनस नहीं देंगे, और जिसकी सैलरी 10,000 से कम है तो हम उसको बोनस देंगे। यानी सीधी सी प्रोग्राम है कि हमें दो मैसेज करने हैं यूज़र को, एक तो बताना है कि यू आर द एलिजिबल और नॉट फॉर दी बोनस, और दूसरा हमें ये बताना है कि उसको हमें दिवाली विश करना है। यानी दिवाली विश तो हमें हर एक कैंडिडेट को करना है जिसकी सैलरी 10,000 से कम है और जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। दोनों केसेज में हमें विश तो करना ही करना है, और बोनस का मैसेज केवल हम उसको भेजेंगे जिसकी सैलरी 10,000 से कम है। तो ये वाला जो प्रोग्राम है, मैं ये से सिंपल ओनली इफ से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स, कैपिटल लेटर में लिया है तो ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर ही में ही यूज़ करेंगे, और उसकी सैलरी मैंने यहाँ पर दे दी लेट 10,000। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लगा रहा हूँ इफ़, इफ़ स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि इफ़ एक कीवर्ड है। तो यहाँ मैंने लिखा इफ़ और यहाँ मैंने लिखा एक्स, अगर एक्स की वैल्यू 10,000 से कम है, एक्स की वैल्यू 10,000 से कम है तो हम उसको दो मैसेज रिफ्लेक्ट करेंगे, 10,000 या 10,000 के इक्वल, दोनों ही कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कि 10,000 के इक्वल है इस तरीके से। अगर ऐसा है कॉलन लगाएंगे, एक कॉलन का यूज़ क्या है, इंडेंटेशन क्या है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम उसको अब दो मैसेज फ्लैश करेंगे, एक तो बोनस का और एक दिवाली विश का। तो यहाँ मैंने ये इंडेंटेशन गलत हो गया, तो मैं यहाँ टैब का बटन से इंडेंटेशन ले रहा हूँ यहाँ पर, और ये मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, और उसको मैंने मैसेज फ्लैश किया एलिजिबल फॉर द बोनस, या सिंपल मैंने लिख दिया बोनस, ठीक है ना। ये मैंने बोनस लिख दिया यहाँ पर, और ये मैंने सिंगल कोटेशन बंद कर दिया, स्पेस हटा दिया, नेक्स्ट लाइन में आएंगे हम। अब ये बोनस जो है ये इफ़ कंडीशन पर डिपेंडेड है, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये बोनस जो है ये फायर होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये बोनस वाली जो लाइन है ये स्किप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इंडेंटेशन लगा हुआ है। इंडेंटेशन का काम ही यही होता है कि प्रीवियस वाली जो स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें, और यहाँ से अब मुझे इंडेंटेशन ये हटाना है। तो हटाने के लिए मैंने ये यहाँ बैक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ। बैक स्पेस यूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंपल प्रिंट कमांड वापस से, यानी ये वो वाला मैसेज है जो हर हर केस में हर एक को जाएगा ही जाएगा। और यहाँ मैंने लिखा हैप्पी दिवाली, ये लिख दिया। लिखने के बाद मैंने यहाँ सिंगल को बंद कर दिया, और बस अब मैं इसे रन कराने वाला हूँ। ये देखो ये एक एरर आ गई है, एक बार लेट मी चेक दी एरर कहाँ पर आई है। एक बार नेम एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, मैंने जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो एक्स है उसको कैपिटल लेटर में ही यूज़ करना है, मैंने यहाँ इसको स्मॉल लेटर में यूज़ कर लिया, तो ये मैंने एक्स लिख लिया यहाँ पर। चलिए दोनों मैसेज आ गए, बोनस और हैप्पी दिवाली, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी। लेट अब हम एक काम करते हैं कि अब इसकी जो सैलरी है वो 10,000 से बढ़ा के मैं इसको मान चलिए 10,001 कर लेता हूँ। अब 10,000 से ज़्यादा हो गई, अब मैं इसको जब रन कराऊँगा तब देखते हैं कि आंसर किस तरीके से आएगा। अब केवल क्या आया है, हैप्पी दिवाली। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, यानी इंडेंटेशन के साथ जो स्टेटमेंट आएगा वो ऊपर जो उससे प्रीवियस वाला स्टेटमेंट है उस पर डिपेंडेंट होगा, और जो इंडेंटेशन के साथ नहीं आएगा वो प्रीवियस वाले स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये तो थी जो एग्जांपल था, ये तो था इफ़ का, ओनली इफ़ का। अब बात करते हैं एक इफ़ एल्स की, कि इफ़ एल्स कैसे काम करता है। तो इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं ऐड कर दूंगा। तो इफ़ के लिए मैं करता हूँ, इफ़ एल्स के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा ले रहा हूँ कि मुझे लेट चेक करना है कि दो नंबर के बीच में विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ दी लार्जेस्ट नंबर बिटवीन दी टू नंबर्स। तो मैंने एक यहाँ एक एक्स ले लिया जिसकी वैल्यू 10,001 पहले से ही है, यहाँ कोई और ले लेता हूँ जैसे लेट 12,000 ले लिया। जैसे मुझे अगर दिख रहा है तो साफ दिख रहा है कि वाई बड़ा है, लेकिन फिर भी हमें इसे कोडिंग के थ्रू करना है। तो मैंने यहाँ लिखा इफ़ और यहाँ मैंने लिखा एक्स, कैपिटल यूज़ करेंगे क्योंकि कैपिटल लिया है मैंने, और मैंने यहाँ लिखा है एक्स ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन। और यहाँ मैंने क्या करा, फिर उसके बाद मैंने y को कंपेयर कर रहा हूँ y, और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा दिया कॉलन आपका, कॉलन लगाने के बाद फिर मारा इंडेंटेशन आ गया इसका मतलब। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट, प्रिंट लिखा है मैंने, ब्रैकेट लगाया, और यहाँ उससे रिलेवेंट कोई स्टेटमेंट देता हूँ। जैसे कि मुझे दिख रहा है अगर x ग्रेटर देन y, यानी x कंडीशन y से अगर देखूँ तो x अगर y से बड़ा है तो उस केस में ऑब्वियसली x बड़ा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा x इज़ ग्रेटर या x इज़ लार्जेस्ट। तो मैंने यहाँ लिख दिया x इज़ लार्जेस्ट, और ये मैंने सिंगल कोटेशन कर दिया बंद, ये बाहर आ गए। अभी इंडेंटेशन है, अब मुझे else लगाना है।
यानी इफ एल्स जो होता है वो, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि इफ एल्स का यूज़ क्या होता है, बस मैं वही ले रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एल्स, स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। एल्स के बाद जस्ट कॉलन आएगा और कॉलन के बाद फिर एंटर आएगा, और यहाँ मैंने उससे रिलेवेंट एक मैसेज दे दूंगा। अगर ऑब्वियसली एक्स बड़ा नहीं है तो इसका मतलब वाई तो बड़ा हो गई होगा, और यहाँ मैंने लिखा वाई इज़ लार्जेस्ट, और ये मैंने सिंगल कोटेशन कर दिया यहाँ बंद। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, वाई इज़ लार्जेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया वाई की वैल्यू 12,000 है, क्लियरली मैंशन है कि भाई वाई तो बड़ा है ही यहाँ पर। ये तो हो गई एक्स और वाई की कहानी। आप चाहो तो इसमें कुछ और चेंज कर सकते हो। मैं काम करता हूँ, इसकी वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, आप रन करा के देखते हैं। एक्स इज़ लार्जेस्ट, ये क्लियर हो गया आई होप। तो यहाँ एक्स और वाई, अब बात आती है कि सर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है। हाँ जी, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है। उस केस में क्या करेंगे, उसके लिए हम एलिफ यूज़ करेंगे, जो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आज के लिए केवल इतना ही है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।